नमस्कार, मैं अमके सिंह और आप देख रहे हैं नचार न्यूज। आज नेपाल से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर से बुटवल से दामोली पहुंचे नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा शनिवार को एक चुनावी रैली को संबोधित करने बुटवल से तनाहू के दामोली में पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पता चल आएगा कि इस वक्त नेपाल में चुनाव की उथल पुथल मची हुई है और जिसमें नेपाल के अंदर बाजी सबसे बड़ी कौन मारने वाला है। बुटवल में सत्तारूढ़ गठबंधन द्वारा आयोजित एक चुनावी रैली में भाग लेने के बाद उन्होंने नेपाल सेना के हेलीकॉप्टर से तनु के दामोली के लिए उड़ान भरी। नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल और प्रवक्ता डॉक्टर प्रकाश शरण महती देउबा के साथ अनून गए हैं। हालांकि दामोली में चुनाव सुबह 10:30 बजे शुरू होनी थी, लेकिन देउबा द्वारा प्राथमिकता दिए जाने और बुटवल विधानसभा में अधिक समय बिताने के बाद इसमें देरी हुई है। और नेपाल के अंदर चुनाव माहौल उथल पुथल हो चुका है और नेपाल आर्मी ने काफी संख्या में एक बड़ी सेना तैयार की है जो नेपाल के अंदर चुनाव के अंदर अपनी सेवा देने वाली है। और नेपाल सरकार ने एक बड़ा ऐलान भी इसके साथ किया है, अगर नेपाल आर्मी का कोई जवान चुनाव के अंदर शहीद होता है तो उसके परिवार को 20-20 लाख रुपए दिए जाने वाले हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि नेपाल की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।